नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। ये रीडिंग होगी 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक की। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हम देखेंगे पहले आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, अब सिक्स ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे टू ऑफ सोर्ड्स द वर्ल्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे लगता है रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, ये बंदा या बंदी जो है ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था या फिर ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने सोचना शुरू कर दिया है अभी कि मूव ऑन करने से काम नहीं चलेगा, ये रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, अपने लाइफ में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, एक नई सोच के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस रिश्ते से मूव ऑन करने का डिसीशन भी ले रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे। कुछ लोग हैं कि बहुत बुरी तरीके से दोनों रिश्ते में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे एनर्जीज आते हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी ये कार्ड कैच करता है। तो जो लोग रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे लोग हैं दो रिश्ते को बैलेंस कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो वो किसी एक रिश्ते से मूव ऑन करके अपने लिए नया एक सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जो लोग मूव ऑन कर चुके थे वो डेफिनेटली इस रिश्ते में इन कर रहे हैं, आ रहे हैं और एक नया सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रिश्ते में जो भी घिसा पीटा सर्कल चल रहा था, इन एंड आउट, मूव ऑन करना, नो कांटेक्ट, ये वो, उन चीज़ों को ख़त्म करके रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, दोस्ती करने के बारे में सोच रहा है कि जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाए और अभी रिश्ते में नया शुरुआत किया जाए और एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए और रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि,
नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। कुछ लोगों की रिश्ते में हफ्तों से प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे लगता है कुछ हफ्तों से। नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लोग तो महीनों से ही परेशान हैं, बहुत महीनों से, मतलब 2-3 महीने से परेशान हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ। कहीं ना कहीं आप जो हो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हो इन दिनों। कभी आपको ये लग रहा है कि रिश्ता सही हो जाए, क्योंकि जजमेंट के कार्ड भी आए हैं। मैंने पहले ही कहा कि रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है महीनों से, कुछ लोगों के लिए हफ्तों से, कुछ लोगों के लिए सालों से भी प्रॉब्लम चल रहा है इस रिश्ते में। तो आपने तो बहुत ज़्यादा हिम्मत बनने की कोशिश की, हिम्मत बांध के रखा, बहुत ज़्यादा अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हेंस किया। कोशिश कर रहे हो आप बहुत दिनों से कि खुद को संभाल के रखें, लेकिन कोई बंदा या बंदी कितने दिनों तक अपने आप को रोक के रखेगा। अभी आप इम्पल्सिव हो रहे हो, आप इनडिसाइसिव हो रहे हो, रेस्टलेस हो रहे हो, बहुत इंतज़ार किया उनके तरफ से कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए। पता नहीं ये किन की एनर्जी है, बहुत परेशानी में है वो पर्सन जिनका भी एनर्जी आ रहा है। आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, पुराने रिश्ते वापस आ जाए, पुराने दिन वापस आ जाए, जैसे आप थे वैसे हो जाए रिश्ता। आपके लिए तो बहुत दिनों का इंतज़ार चल रहा है, महीनों का, सालों का। जैसे आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप अपने अंदर हिम्मत रख रहे हो। हैट्स अप टू यू, जिन लोगों में इतना ज़्यादा हिम्मत होता है। आप कोशिश कर रहे हो खुद को मतलब इस स्थिति में खुद को सही रखने की। आप इंतज़ार कर रहे हो, आपके पास पैसों की भी प्रॉब्लम है, आपके पास कुछ फिनेंशियल जो प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है। आप कब से इंतज़ार कर रहे हो कि वक्त बदल जाए, किस्मत बदल जाए, वक्त के साथ आपकी किस्मत चेंज हो जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। अभी आप रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हो, फिर भी आप हिम्मत रख रहे हो, और आप अभी जो धीरे धीरे जो स्थिति हो रहा है इसमें आप रेस्टलेस हुए जा रहे हो, और आप हिम्मत नहीं रख पा रहे हो क्योंकि बहुत दिन हो चुका है। आपको अपने बग बदलने का, किस्मत बदलने का इंतज़ार है जो नहीं हो रहा है, लेकिन अब होगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया। वक्त बदलने जा रहा है, किस्मत बदलने जा रहा है, वक्त के साथ आपको मिलेंगे। जो आपने हिम्मत रखे उसका जो परिणाम है यूनिवर्स आपको देने जा रहा है। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या है। वैसे तो ये कुछ लोग हैं रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हैं, अपने बारे में सोचने में बिजी हैं, कुछ लोगों के पास दो रिश्ते हैं। अभी कार्ड आते आते, कार्ड रीड करते करते पता चल जाएगा कि जिनका भी ये एनर्जी है, जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पर्सन क्या चाहते हैं। हैंगमैन,
कुछ बातें ऐसी होते हैं जो जगकर सोते हैं, उन्हें कोई नहीं जगा सकता। ये बंदा जगकर सो रहा है, ये अपने आप से खुद को रोक के रखा है। इनको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप सो जाते हो कोई आपको जगा सकता है, लेकिन अगर आप जगकर सोए रहते हो, जैसे आंख मूंद करके किसी को कोई आएगा तो आप अपनी आंखें बंद कर लोगे, और बंदे जो भी आ रहे हैं आपको बुलाने, उनको लगेगा अरे ये तो सो रहा है। तो इस तरीके के लोगों को कोई नहीं जगा सकता। ये स्पिरिचुअली भी ग्रोइंग है बहुत ज़्यादा। ये स्पिरिट के साथ कनेक्ट करता हुआ बंदा या बंदी है, स्पिरिचुअल नॉलेज है इनके पास, ये ज्ञानी है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये खुद को रोक के रखा है। या तो ये इस रिश्ते में लौटना नहीं चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, या तो फिर ये झूठ फरेब से दूर रहना चाहते हैं। देख लेते हैं, ये अपने लाइफ में नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते में ये खुद को रोक के रखा है, इस रिश्ते में आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है रिश्ते में बहुत सारा झूठ फरेब बातें छुपाना ये सब चल रहा है, माइंड गेम मैनिपुलेशन। क्योंकि द मून का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, ये खुद की मर्जी के मालिक हैं, ये खुद खुद को रोक के रखा है, किसी ने इनको नहीं रोका है। अगर ये चाहते हैं तो डिसीजन ले सकते हैं, या तो ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर आप जो छुपा रहे थे उस बात का पता उनको चल गया है, जिसकी वजह से बंदा या बंदी परेशान है। हालांकि मुझे तो दिखाई दे रहा है इनके पास दो रिश्ते हैं, ये दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये खुद को रोक के रखा है। ये कोई अज्ञानी या कम समझने वाला बंदा या बंदी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा समझदार बंदा या बंदी है, जिनको सब चीज़ पता है, फिर भी ये खुद को रोक के रखना चाहते हैं। नई शुरुआत चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, लेकिन पुराने में लौटना मुझे लगता है इस हफ्ते इनको इनको नहीं है। पहले इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। कुछ चीज़ें ये छुपाना चाहते हैं आपसे, खास करके मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। हो सकता है अभी इनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, हो सकता है ये कहीं घूमने गए हैं, हो सकता है ये विदेश जाना चाहते हैं, हो सकता है ये किसी और के साथ रिश्ते में हैं, तो इस रिश्ते में ये आना नहीं चाहते हैं। कुछ तो बातें हैं जो ये आपसे छुपाना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप खुद क्या चाहते हो। ये जानबूझ के खुद को रोक के रखा है, इनको सब पता है, इनको सब पता है, ये खुद हो सकता है आपसे झूठ बोल रहे हैं, और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है आप जितना हिम्मत दिखा रहे हो इनको, ये उतना ही खुद को अकड़ के रखे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है ये पर्सन, ईगो की वजह से ये खुद को रोक के रखा है। और आप इंतजार करते करते थक चुके हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो स्कॉर्पियो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी एरीज लियो के साथ भी, एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। स्कॉर्पियो
किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, ये जब ये जो रीडिंग होता है ना कार्ड क्लियरेंस के, इसमें सारे राशि आ जाते हैं। बहुत बड़ा रीडिंग होता है, बहुत सारे कार्ड्स आते हैं तो सारे राशि आ जाते हैं। आप इग्नोरेंस फील कर रहे हो, आप चाहते हो चीज़ें सही हो जाए लेकिन नहीं हो रहा है। आपके पर्सन आपके लिए आपका विश फुलफिलमेंट है। फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, ये बंदा या बंदी आपके विश है, आपके विश फुलफिलमेंट है लेकिन नहीं मिल रहा है आपको। आपको जो मिल रहा है उससे आप खुश नहीं हो, आप डिससेटिस्फाइड हो। कहीं ना कहीं आप ये देख नहीं रहे हो कि आपके पास क्या कोई और रिश्ता है, आपके परिवार हो सकते हैं, या फिर आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है उससे आप खुश नहीं हो। आप अभी भी पुराने बातों को याद करके करके परेशान हो रहे हो। मुझे लगता है आपकी पुरानी बातों से परेशान होने की वजह से ये बंदा खुद को रोक के रखा है, ये नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अपनी विश पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हो कि कब आपका विश पूरा हो जाए, आपको पैसे मिल जाए। आपको पैसों की प्रॉब्लम भी हो सकता है, फिनेंशियल क्राइसिस है आपके पास, आप पैसे सेविंग्स करना चाहते हो, जमा करना चाहते हो, अपने हाथ में अपने रिश्तों की कंट्रोल लेना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, मेहनत करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, रिश्ते में भी स्टेबिलिटी चाहते हो। इधर आपके पर्सन भी अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा अक्रे हुए हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, इनके पास स्टेबिलिटी है। इनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, इसके अलावा भी ये और कुछ करना चाहते हैं। इनके पास सब कुछ है, घर है, प्रॉपर्टीज है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, इज्जत है, शोहरत है। ये एक जैसे कि कुछ पावर है इनके पास, अथॉरिटी है इनके पास। और आपके पास जो है उससे आप खुश नहीं हो, आप चाहते हो फिनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसे सेविंग्स करना, जमा करना, अपने खुशी को अपने तरीके से पाना, कंट्रोल करना, हर बात में अपना एक कंट्रोल रखना चाहते हो, आप अपना विश पूरा करना चाहते हो मेहनत करके। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। कोई पाइसिस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, कैंसर, कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। रिश्ते में इन एंड आउट होता रहता है कोई, क्योंकि किसके उनके पास या तो आपके पास दो रिश्ते हैं। आप दोनों को ही रिश्ते में मेहनत करनी पड़ेगी। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कोई अपने मर्जी के मालिक हैं, जब मर्जी चले आते हैं, जब मर्जी चले जाते हैं। रिश्ते को मौका तो देना चाहते हैं। दिमाग से सोच रहे हो आप, दिमाग से सोच रहे हो दोनों के दोनों। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत करनी पड़ेगी रिश्ते में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कोई एक बंदा है जो इन एंड आउट होता रहता है, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम भी रिश्ते में है। खास करके स्कॉर्पियो, आपके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, फिनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है,
आप अपना विश पूरा नहीं कर पा रहे हो, इधर आपके पर्सन जो है उनके पास सब कुछ है और ये अपने तरीके से रिश्ते में आना जाना करेंगे, ये आएंगे आपके साथ मिलने, आपके पास मिलने आ रहे हैं, ये रिश्ते को ये मौका देना चाहते हैं दोबारा से। चैरियट के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, रिश्ते को मौका मिल रहा है, ये आपसे मिलने आ रहे हैं। आप लोग सीक्रेट यूनियन में भी आ सकते हो, लेकिन ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, आप दोनों के दोनों दिमाग के इस्तेमाल कर रहे हो, कोई किसी से कम नहीं, दोनों फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड दो बार आए हैं और उनके पास ऑलरेडी फिनेंशियल स्टेबिलिटी है लेकिन आपके पास नहीं है, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, मेहनत तो करना पड़ेगा रिश्ते में, रिश्ते में स्टेबिलिटी पाने के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपसे मिलने आ रहा है, आप लोगों का सीक्रेट यूनियन होगा और रिश्ते में दोबारा मौका मिलेगा एक दूसरे से, एक दूसरे के करीब आने की। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं स्कॉर्पियो। टू ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था, द मैजिशियन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्ड है, और टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो दो दो रिश्ते के साथ कोई जगलिंग करेगा तो परेशानी होगी, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पहले भी आए थे तो कोई बंदा या बंदी, देखो टू ऑफ सोर्ड्स टू टाइम्स आया है, टू ऑफ सोर्ड्स, कोई बंदा या बंदी दो चीज़ों के साथ जगलिंग करेगा तो रिश्ते में प्रॉब्लम होगी, और रिश्ता अगर दिल का है तो दिमाग का इस्तेमाल मत किया करो, क्योंकि यहाँ दिमाग के इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई अपने मर्जी को रिश्ते में थोप रहा है, माइंड गेम मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो माइंड गेम मैनिपुलेशन जहाँ चलता है वह प्यार नहीं होता है, वह तो बिजनेस होता है। और दो रिश्ते के साथ अगर आप जगलिंग कर रहे हो, या तो आपके पर्सन, क्योंकि आपके तरफ से आया है स्कॉर्पियो, मुझे लगता है हो सकता है आप दोनों रिश्ते के साथ जगलिंग कर रहे हो, तो या फिर ये कर रहा है, जो भी है तो परेशानी रिश्ते में होगी, और ये सब जानते हो आप दोनों के दोनों, तो आप समझदार हो, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाइए, ना कि माइंड गेम मैनिपुलेशन ये सब करके, और जो कुछ भी हो जाए कितना भी प्यार हो रिश्ते में, माइंड गेम मैनिपुलेशन करने से रिश्ते प्यारा नहीं रहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।